कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोस मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोस का आपको क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो देखो कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोस क्या होगा, 6 × अटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 × अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन प्लस 6 × अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब अटोमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है, 12 U, हाइड्रोजन का अटोमिक मास 1 U, ऑक्सीजन का अटोमिक मास 16 U, टोटल कितना आ गया, 180 U। इसमें ना आपको यूनिट ध्यान में रखना होगा, जब भी आपको अटोमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो यूनिट क्या होगा, यू या फिर AMU। मैं यहाँ पे एक बार बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ, या तो आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा हो या अटोमिक मास पूछा हो। देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास। ये तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, मॉलिक्यूल्स एटम, तो क्या इनका मास ग्राम में लिख सकते हो, इतने छोटे पार्टिकल्स का, नहीं। तो इसका मास किस में लिखा जाएगा, यूनिफाइड मास, यू मतलब यूनिफाइड मास, या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट, दोनों एक ही बात है, यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, ये 1 AMU की डेफिनेशन होती है। कार्बन का एटम ले आओ, 12 आइसोटोप, 12 नंबर आइसोटोप उसका, उसका 1/12 मास 1 AMU कहलाएगा। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना तो 1.66 × 10^-24 ग्राम आता है, ये कन्वर्जन होती है, ठीक है। फिर अगला है मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो 1 मोल एटम्स भी हो सकते हैं, 1 मोल आयन्स भी, कुछ भी हो सकता है, 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल, 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास, 1 मोल का मास। ये ग्राम में होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, अगर सिंपल एग्जांपल मीथेन का लेते हैं, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका, कार्बन का एटॉमिक मास 12 U और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U, तो 4 × 1 U 16 U, 16 U इसका मॉलिक्यूलर मास है। अगर मैं बोलूं मोलर मास, मोलर मास मतलब क्या, 1 मोल का मास, मोलर मास ऑफ CH4 मतलब क्या, मास ऑफ 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, यही हो गया ना। मोलर मास का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स का मास, मतलब इतने पार्टिकल्स का मास, मोलर मास मतलब इतने पार्टिकल्स का मास, यहाँ पर पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल्स का मास, तो मतलब क्या, 6.022 × 10^23 इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 16 U, 6.022 × 10^23 इंटू 16 × U, है ना। इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 6.022 × 10^23 इंटू 16 × 1.66 × 10^-24 ग्राम आ गया ना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, तो क्या आ गया, 16 ग्राम। तो मतलब आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा जो यू में आंसर आया था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको एटॉमिक या मॉलिकुलर मास पता है, मान लो एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास आपको पता है, मान लो एक्स यू है, तो मोलर मास कितना होगा, एक्स ग्राम, बस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ये ध्यान रखना। मोलर मास पूछा हो तो यूनिट ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास पूछा हो तो यूनिट AMU है, ये कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। अब उसने यहाँ पे क्या पूछा है, मोलर मास पूछा है,
किसका? वाटर का। तो मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, 2 × मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलर मास ऑफ, तो 2 × 1 + 16 18 ग्राम पर मोल आ गया। अब ग्राम पर मोल आएगा, CO2 का क्या आ गया, मोलर मास ऑफ कार्बन प्लस 2 × मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 44 ग्राम पर मोल आ गया। मीथेन का क्या आएगा, मोलर मास ऑफ कार्बन प्लस 4 × मोलर मास ऑफ H 16 ग्राम पर मोल।